नमस्कार, मैं सुमित कुमार, स्वागत है आपका लोकमत न्यूज हिंदी में। बॉल टेम्परिंग के मामले ने क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है। बॉल टेम्परिंग के मामले में एक साल का बैन झेल रहे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ पहली बार ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर मीडिया के सामने आए और अपनी गलती मानते हुए कहा कि इसका अफसोस उन्हें उम्र भर रहेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोते हुए उन्होंने दुनिया भर के क्रिकेट फैंस से माफी मांगी। स्मिथ के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से ही क्रिकेट जगत के तमाम खिलाड़ी खुलकर स्मिथ के सपोर्ट में आने लगे हैं। टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर के खिलाफ लगे आरोपों पर सवाल उठाया। गंभीर ने अपने ट्विटर पेज पर लिखा, क्रिकेट को भ्रष्टाचार मुक्त करने की जरूरत है, लेकिन लगता है ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के खिलाफ प्रतिबंध कुछ कड़े हैं। गंभीर ने अपने दूसरे ट्वीट में कहा कि स्टीव स्मिथ के पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के लिए दुख है। उम्मीद करता हूं कि मीडिया और ऑस्ट्रेलिया की जनता उनके खिलाफ आक्रामक नहीं होगी, क्योंकि परिवार आसान निशाना होते हैं। गंभीर ने अपने तीसरे ट्वीट में कहा कि मैं शायद भावुक हो रहा हूं, लेकिन स्टीव स्मिथ मुझे धोखेबाज नजर नहीं आता। स्मिथ के सपोर्ट में टीम इंडिया के ओपनर रोहित शर्मा भी आ गए हैं। उन्होंने अपने ट्विटर पर एक पोस्ट में लिखा, स्टीव स्मिथ को जोहानसबर्ग एयरपोर्ट पर जिस तरह से ट्रीट किया गया वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, और सिडनी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिस तरह से स्मिथ भावुक हुए वह मेरे दिमाग में घूम रहा है। सचिन ने ट्विटर पर लिखा, इन खिलाड़ियों को अपने किए पर पछतावा है और उन्हें इसके नतीजों के साथ रहना होगा। उनके परिवार के बारे में सोचें, क्योंकि खिलाड़ियों के साथ उनके परिवार को भी यह झेलना होगा। ये थी क्रिकेट जगत की अब तक की सबसे बड़ी खबर। देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें लोकमत न्यूज.in से।